विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन बात यही करता है कि जहां पे बाकी एक्ट जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो अपना अलग से जहां पे वजूद बनाना चाहता है वहां पे इस तरीके से जो है वर्डिंग यूज होती है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। तो यहाँ पे वो बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। अभी हम सेक्शन 246 का ही रेफरेंस करेंगे, 254 अलग से था उसके, उसको भी ओवररूल किया लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम वहाँ पे उसकी 254 की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 246 में एड ऑन जो करा गया है हम उस पावर की बात करेंगे कि वहां पे अलग से जो कि पावर दी गई है वहां पे पावर की बात करी गई है, लेजिस्लेशन ऑफ एवरी स्टेट, लेजिस्लेशन ऑफ एवरी स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉ। एक एक वर्ड का देखो कितना सेंस है अगर आप इसको ढंग तरीके से समझे तो, एवरी स्टेट लेजिस्लेशन हैज द पावर, और यहाँ पे वर्ड था साथ में ये हमने छूट दिया। ये जो ग्रीन में मैंने मार्क किया हुआ है ना, हर उसमें हर नोट्स में मैंने ग्रीन मार्किंग किए हुए है, तो ये जो ग्रीन मार्किंग है वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं साथ साथ, तो ताकि जो है हमें रेफर करने में इजी हो। यहाँ पे कहता है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉ, हैज द पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इम्पोज बाय यूनियन और बाय स्टेट, चाहे वो यूनियन यूनियन इम्पोज कर रहा है चाहे स्टेट इम्पोज कर रहा है। यहाँ पे अब अगर इस वर्ड को, इस लाइन को अगर ध्यान से समझा जाए तो बेसिकली क्या कह रहा है, पार्लियामेंट पावर यूज करेगा, स्टेट अपनी पावर यूज करेगा, किस लिए पावर यूज करेगा, उसको पावर दे दी, पार्लियामेंट को एक पावर दे दी, स्टेट को एक पावर दे दी, अब क्या पावर दे दी, उसको क्या यूज करना है, उसको पावर दे दी लॉ बनाने के लिए, उसको पावर दे दी एक्ट बनाने के लिए कि तुम एक्ट बनाओ जिसके तहत आप जीएसटी लगा सको, एक एक्ट बनाने के लिए पावर दी है अभी, अब वो एक्ट बनाएंगे। अब उनके पास पार्लियामेंट के पास पावर आई, या हम कहें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आई, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आई कि वो जो है एक्ट इम्पोज कर जीएसटी लगाने के लिए एक एक्ट फॉर्म करें, उसकी पावर दी गई। यहाँ पे देखो लिखा है टू मेक लॉज, लॉ बनाने की पावर दी गई, तो लॉ बनाने की पावर दी गई तो वो क्या करेंगे, एसजीएसटी एक्ट बनाएगी यूनियन, और स्टेट क्या करेगी अपना स्टेट एसजीएसटी एक्ट बनाएगी, और पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी अपना जो है सीजीएसटी एक्ट बनाएगी, और वो क्या बनाएगी आईजीएसटी एक्ट बनाएगी। अभी हम आईजीएसटी की अलग से बात करेंगे, अभी यहाँ पे सीजीएसटी और एक्सजीएसटी की बात करनी है कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके यही लिखा गया दिस सेक्शन 246A, यहाँ पे सेक्शन की जगह इसको आर्टिकल लिखना चाहिए था, अलग कर दिया मैं, इसको ठीक कर देता हूँ। आर्टिकल, दिस आर्टिकल 246A इसने क्या करा, दिस आर्टिकल इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव पावर टू द पार्लियामेंट टू लेवी सीजीएसटी इन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इंट्रा स्टेट सप्लाई की कर रहे हैं, बाय द सेंट्रल, सेंट्रल क्या लगाएगी सीजीएसटी इंपोज करेगी, एंड टू लेवी एसजीएसटी इन ऑल इंट्रा, अभी भी हम इंट्रा की ही बात कर रहे हैं, बाय द स्टेट, मतलब यहाँ पे जो पावर दी गई है सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए पावर दी गई है, इंट्रा स्टेट के लिए जो है आपने, आप सीजीएसटी लगाओ और स्टेट को कह दिया है कि जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए आप एसजीएसटी लगाओ, पावर दे दी।